नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हेयर कट। जी हाँ, मैं आज फर्स्ट टाइम अपने बालों को कट करने जा रही हूँ अपने हाथों से। तो मैंने इससे पहले कभी भी अपने बालों को कट नहीं किया है, वो भी घर पर। तो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि मैं जानती हूँ आप मेरे इस पुराने लुक को देख देख कर बोर हो गए हैं। इन बालों के लुक को देख देख कर बोर हो चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। आपने बहुत बार मुझे बोला था कि प्लीज आप अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके दिखाइएगा, थोड़ा कुछ नया ट्राई कीजिए। तो आज मैंने आप ही की डिमांड पर कुछ नया ट्राई करने की सोची है। और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने बालों को कट नहीं करूंगी, सिर्फ मैं अपने फ्लिक्स जो है वो कट करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। और प्लीज बैड कमेंट बिल्कुल मत करिएगा यार, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने बालों को काट रही हूँ और इससे पहले मैंने कभी भी घर पर बालों को कट नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं। और आपको अपने घर पर अगर बालों को फ्लिक्स को अगर कट करना है तो बहुत इजी है इसे करना। और बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है आपने, और आप भी इससे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर चुकी हूँ। आप भी कॉम कर लीजिए अपने बालों को, सुलझा लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपने फ्रंट सेक्शन लेना है बालों का, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और आपने कानों के आगे से बाल लेने हैं, कानों के पीछे से बालों को नहीं लेना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस तरीके से आपने ट्रायंगुलर शेप में अपने बालों को ले लेना है। और आपने जितने भी फ्लिक्स आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली अपने बालों का सेक्शन लेना है। आपको अगर थोड़े फ्लिक्स चाहिए तो आपने थोड़े बालों का सेक्शन लेना है, और अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से ज़्यादा बालों का सेक्शन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से बता रही हूँ गाइस, इस तरीके से भी आप अपने बालों का सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इस तरीके से भी आप अपने बालों के सेक्शन को चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जहाँ पर आपकी आईब्रोज खत्म होती हैं तो इस तरीके से आप अपने बालों के सेक्शन को ले लीजिए। इसकी हेल्प से आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि अपने कितने बालों में आपको फ्लिक्स चाहिए। तो इस तरीके से मैं ट्रायंगुलर शेप में अपने बालों को ले लूँगी और पीछे के बालों को मैं बांध लूँगी, पौनी बना लूँगी एक, ताकि ये बाल मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। और इस तरीके से आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बालों को इक्वल करूँगी, और आपको जितने लंबे फ्लिक्स चाहिए, जितने छोटे फ्लिक्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अगर आपको राइट फ्लिक्स चाहिए तो आपको लेफ्ट की साइड ट्विस्ट करना है, और अगर आपको लेफ्ट फ्लिक्स चाहिए तो आपको राइट की तरफ ट्विस्ट करना है बालों को। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बालों को इस तरीके से इक्वल कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए मैंने बालों को इक्वल कर लिया है, और अब मैं सीज़र को इस तरीके से रखते हुए इन्हें कट करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो थोड़ा केयरफुली कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर बाल एक बार ज़्यादा से अगर कट गए तो फिर जल्दी से बढ़ते नहीं है, इस चीज़ का आपको ही पता है। तो इस तरीके से आपने पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने बालों को काटना है। ये देखिए सीज़र को इस तरीके से रखना है आपने। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है बालों को, और जो भी एक्स्ट्रा बाल होंगे उसे भी मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये देखिए जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बाल जो निकले हुए हैं उन्हें मैं कट कर लूँगी अच्छे से। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने बालों को कट किया है। और मुझे कुछ इस तरीके से ही चाहिए थे फ्लिक्स, जो कि बहुत ही नेचुरल से दिखे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद है तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।